जय माता दी। सैकड़ों को प्रणाम छोटों के प्यार। ब्लॉग की शुरुआत नई वीडियो के साथ। और आज मैं आई हूँ अपने मायके। ये देखिए मेरा मायका है रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में तिलवाड़ा, जो केदारनाथ घाटी पर स्थित है। तो ये देखिए, ये मैं अभी हूँ अपनी बुआ के घर। तो मेरी बुआ भी इधर ही रहती है। ये देखिए मेरे बुआ का मकान है, जो हम लोग रोड पर ही ये मकान बनाए हैं। ये नेशनल हाईवे है, केदारनाथ रूट है। तो ये देखिए, ये हमारे पहाड़ों के पहाड़, हमारे उत्तराखंड की खूबसूरती। तो चलिए आप लोग को दिखाती हूँ मैं अपने उत्तराखंड की, अपने केदार घाटी की खूबसूरती। तो ये देखिए सब लोग, हम लोग इस पर छत पर बैठे हुए हैं। धूप निकली हुई है, बहुत खूबसूरत सी धूप है। ये देखिए, ये हमारे पहाड़ हैं। तो ये देखिए, ये हमारे जंगल हैं, काफ़ी हाइट पर हैं। हम लोग यहाँ पर पहले एक टाइम था जब हम लोग अपनी सहेलियों के साथ यहाँ पर घास के लिए जाते थे। जो हमारे पशु घर में रखे रहते थे, उनके लिए हम लोग घास और चारे के लिए इन जंगलों में जाते थे। ये देखिए ऊपर, और ऊपर एक रोड भी है बीच में, शायद यहाँ से दिख नहीं रही है। तो ये रोड जाती है आपके चोपता, जो एक टूरिस्ट प्लेस है चोपता, और तुंगनाथ कर्णप्रयाग, ये रोड वहाँ पर मिलती है। और ये देखिए, ये सामने आप लोग देख रहे होंगे, ये सामने जो ये गाड़ी खड़ी है, तो ये रोड यहाँ से कट रही है। अभी और चल। मेरी बेखुदी मेरी लाडी लठिया, कभी नहीं। तो ये देखिए, ये हमारे खेत हैं और ये हमारे पहाड़। मेरे मायके के सामने से ये पहाड़ियाँ देखिए, और बहुत ही सुंदर। देखिए आप हमारे उत्तराखंड की खूबसूरती। ये मेरा ये देखिए, ये जो ये पहाड़ आप लोग देख रहे हैं, ये पड़ता है गंगा के उस पार। तो ये टिहरी डिस्ट्रिक्ट में आता है, और यहाँ पर हमारी बहुत बोलते हैं एक सिद्धपीठ मंदिर है माँ मठियाणा देवी का। सामने जो आप ये पहाड़ी देख रहे हैं, इसी पहाड़ी के पीछे बैक साइड में है, जो कि पड़ता है जखोली ब्लॉक में। तो ये देखिए, ये हमारा तिलवाड़ा है। अभी हम लोग तिलवाड़ा के बैक साइड में हैं। तो यहाँ से मार्केट स्टार्ट हो जाता है, और 2 किलोमीटर के पूरा एरिया मार्केट ही मार्केट है। तो ये देखिए, और जो ये सामने पहाड़ी दिख रही है, इसी पहाड़ी के पीछे मेरा मम्मी का घर है। तो अभी मैं अपनी बुआ के घर पे हूँ। तो दीदी भी आई है मेरी बुआ की, मेरी पोती भी, भतीजी सॉरी, मेरी बुआ की पोती, वो भी जोशीमठ से यहाँ पर आई है। हम लोग सर्दियों में कहते हैं ना, सर्दियों में पूस के महीने बेटियों को मायके बुलाया जाता है। तो हम लोग सब यहाँ आ रखे हैं। 3-4 दिन अब मुझे यहाँ पर हो चुका है, और परसों मैं जाऊँगी देहरादून। तो फिर मिलते हैं, चलिए आज की दिनचर्या आप लोगों को बताऊंगी हम लोगों ने क्या क्या एंजॉयमेंट किया है। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर बाद। और ये देखिए, ये हमारे खेत हैं। अभी हम लोग खेतों में आए हैं अपने। तो पहले बचपन में हम लोग यहाँ पर आते थे धान की रुपाई करने के लिए। देखिए अभी यहाँ पर सरसों लगाई गई है। इसी के साथ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और आगे आपको इसको बताऊंगी सेकंड पार्ट, अपने पहाड़ों की पुरानी चीज़ें सारी आप लोग